बीजेपी की नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब गोवा पुलिस ने दावा किया है कि फोगाट को मौत से पहले उनके दो सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ दिया था। ये दोनों फोगाट हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि दोनों आरोपी ड्रिंक में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते देखे जा सकते हैं, जिसे अंजुना के रेस्टोरेंट में हुई पार्टी में फोगाट को पिलाया गया था। इस बीच फोगाट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट से जाते हुए नजर आ रही हैं। ये वीडियो उनकी मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है। पुलिस आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपियों को सोनाली फोगाट के ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाते देखा जा सकता है। रिंकू ढाका ने आरोप लगाया कि फोगाट के पीए ने उनके भोजन में ड्रग्स मिलाने के बाद उनका रेप किया, साथ ही दावा किया कि फोगाट गोवा नहीं जाना चाहती थीं।